तो है गाइस व्हाट्सअप, कैसे जा रहे हो तुम्हारी, यू आर वाचिंग वन ट्रैवल। बहुत ही टाइम बाद ऐसे अपन ने ऑन करा है अपना वीडियो, ऑन किया था, चालू करा है। तो भाई मैं हूँ जावा और ESD के शोरूम पे, जो कि अभी अपना अन्नपूर्णा रोड पे खुला है रिसेंटली। अब्बास भाई ने मेरे को यहाँ बुलाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे आके। यहाँ पे बाइक खड़ी है ESD की, जावा पैराग खड़ी है, जावा एक और चीज 42 है, हाँ जावा 42 है, ठीक है। यहाँ पे आप बाइक दिखा दो भाई, ठीक है, वरना ऑडियंस नाराज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे साथ भैया भी हैं, भैया आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो एक बार कैमरा में। हाय, माय नेम इज विशाल, जावा ESD शोरूम से सेल्स कंसल्टेंट, ठीक है। तो ये पूरी अपनी हेल्प करेंगे यहाँ पे सारी बाइक्स दिखाने में आपको, मतलब कुछ भी डिटेल्स चाहिए जस्ट कॉल करो इनको और ये आपको बताएंगे कि भाई क्या प्राइसिंग है, कितनी क्या CC की बाइक है, कितनी क्या बाइक्स आती हैं इनकी। मेरे तरफ से 3 जावा की हैं, 3 ESD की हैं। अभी अंदर लॉन्च है पूरा तो दिखाऊंगा मैं, मतलब शोरूम तो खुल चुका है, आप लोग आ सकते हो। और ये पूरी है पैराग के बारे में, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे भैया से, पहले समझते हैं। जी भैया, बॉबर लुक, इसे हम बॉबर कहते हैं, ये है पैराग सर। ये सिंगल सीटर है, इसलिए पैराग कहते हैं। इसमें 330 का इंजन है सर, और ये आपको 14 लीटर टैंक के साथ में अवेलेबल है, तो 2 लाख पाउंड सर। 14 लीटर टैंक है इसका। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी क्लीन दिखेगा आपको, इसका मैट फिनिश का सिंगल कलर है, इसमें दामा का आपको मिल जाएगा, कूल्ड एल को लिक्विड मिल जाएगा आपको इसमें, जो आपको इंजन को ठंडा करने में आपकी हेल्प करता है सर। अच्छा, यहाँ पे हाँ जी ये मिल जाएगा सर आपको। इग्निशन स्नैप सर, यहाँ से इग्निशन मिल जाएंगे आपके यहाँ से, ये ठीक है जी सर। ये आपका हैंडल लॉक हो जाएगा सर इस टाइप से, इससे आपका हैंडल लॉक हो जाएगा, ठीक है इस टाइप से जी सर। इसमें ड्यूअल चैनल ABS है सर, जो आपकी ब्रेकिंग को स्मूथ बनाता है, आपको कंफर्टेबल लाइट देता है। स्टैंड हैंडल है सर, सीधे आते हैं मीटर पर सर, इसका मीटर आपको मेट्रो लुक देता है सर, ये देखिए इस टाइप से। ओके सर, ये हमने इसको मेट्रो डिज़ाइन किया है सर, कि जिस हिसाब से आपके पुराना फील देगा चलाने के लिए, आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है आपके मिल जाएंगे इसमें, आपको ग्राउंड क्लियरेंस का 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस है सर इसका। इसका व्हील बस आपको 1480 का व्हील बस मिल जाएगा सर इसका, आपको डुअल एग्जॉस्ट मिल जाएंगे, 4-stroke लिक्विड इंजन है इसके अंदर। ओके, आप ओवरऑल देख सकते हैं लुक सर इसका, पीछे से तो काफ़ी प्यारी लुक है। एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, सिंगल सीटर है जी, बाय चांस किसी को अगर आफ्टर मार्केट सीट लगानी है पीछे, अवेलेबल है शोरूम से ही है? हाँ, चलो बढ़िया, शोरूम से आपको एक एक्स्ट्रा सीट भी मतलब मिल जाएगी, परचेज करनी पड़ेगी, वो परचेज करनी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा। चलो बढ़िया, एक बार मैं इस पर बैठ के देखता हूँ। अभी टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही जल्दी राइड प्लान कर रहे हैं, तो क्या पता मैं ये पैरा के चलाऊँ, कोई भी गाड़ी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं बैठ के देखता हूँ। मैं जावा पर बैठा हूँ तो कुछ ऐसी फील आ रही है, इंटीरियर भी काफ़ी प्यारी लग रही है यार, मतलब सेटिंग बहुत कंफर्टेबल है सर, सेटिंग काफ़ी कंफर्टेबल, और डुअल चैनल मतलब ABS है, वो भी अच्छी बात है, ब्रेकिंग अच्छी होगी इसकी, बरसात वगैरह में आपको बिल्कुल स्मूथ रहेगा, और ब्रेकिंग अच्छी है, रेन में मतलब की जो गाड़ी है वो रोड पर स्लिप नहीं होगी, ठीक है। और डुअल एग्जॉस्ट भी है दोनों तरफ, तो वो भी काफ़ी प्यारा लुक दे रहे हैं, और उनका जो कट दिया हुआ है कंपनी की तरफ से वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार ऑन कर सकते हैं क्या इसको? चलो आप भैया ऑन करके दिखा देते हैं, अच्छी साउंड है। तो इसको एक बार टेस्ट राइड लेके देखेंगे, और एक अगर फुल रिव्यू चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा, बहुत जल्द होगा वो, कोई लोड नहीं है। और विकास भी है ना, विशाल भी है सॉरी, ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है, तो इनके लिए तो एक लाइक तो बनता है। तो अब चलते हैं अपन शोरूम के अंदर, और कौन कौन सी बाइक्स कौन कौन सी गाड़ी है वो भी दिखा दूंगा आपको। चलो इसका जो टैंक है ये है, पहले मैं आपको ये बता दूँ ये कौन सी बाइक है, ये ESD कौन सी है, रोस्टर है, ये रोस्टर है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे पूरा रियर डिटेल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक 334 CC का है इंजन, मैक्स अपना पावर है, और 29.6
7 PSI ठीक है, मतलब क्वाइट गुड, पर मेरे को थोड़ा सा फ्यूल कैपेसिटी कम लगा 12.5। ये एक्चुअली क्या सिटी बाइक राइडिंग के लिए अच्छी है, ये क्रूजर है, और अगर आपको जैसे एडवेंचर के लिए चाहिए तो वो एडवेंचर है, उस पर अपन आते हैं अभी बहुत जल्द। और इसके पीछे मेरे जस्ट सामने खड़ी है जावा 42। अभी हमको बताएंगे एसडी एडवेंचर का, भैया बताओ एडवेंचर एसडी हाउ आर यू, 29 मिनट पे टॉप है इसका, व्हील क्लियरेंस का 15.5 मिल जाएगा कंपनी से फिटेड है, ये चीज़ एक अच्छी लगी कंपनी ने, जैसे कि हेडलाइट ग्रिल जो हुई ये हैंड गार्ड्स के लिए, ये जो गाड़ी मेरे आज मतलब 3 लीटर ऊपर है, उसमें 12.5 था, उसमें 15.5 है, 3 लीटर ऊपर है, ये मेरे को वापस नहीं, क्योंकि एडवेंचर है, आप जाओगे जैसे लॉन्ग टूर करोगे तो 15.5 लीटर का कितना होगा माइलेज, मतलब आपको 32-33 अप्रॉक्स हाईवे पे। हाँ जी बिल्कुल जी, आपको 0-100 देखिए 10-20 सेकंड। अच्छा हाँ जी, इसमें मोड्स मिल जाते होंगे। हाँ जी, इसमें मोड्स, इसमें रेंज है, ऑफ रोड है, सिटीज है। अच्छा बिल्कुल, तो रेन ऑफ रोड और इनमें कैसा क्या डिफरेंस है, मतलब रेन में आपको इसमें एबीएस आपको थोड़ा सा फ्री हो जाता है चीज़ों को लेकर, ताकि आप स्लीपर टायर जो होते हैं वो अपने वो इंक्लूडेड नहीं होते, अलग हो जाते हैं। अच्छा, ऑफ रोड के हिसाब से आप जो है एबीएस को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऑफ ऑन ठीक है अपने कंफर्ट के हिसाब से। ये मीटर तो इन्होंने जो है आप उसको थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं। अच्छा, एडजस्टेबल है ये, ओके, अच्छा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी है यहाँ पे, ये स्क्रीन पूरी क्यों नहीं दी है कंपनी ने, जैसे सर्कल में ये लुक ऐसा दिया है, या स्क्रीन पूरी क्यों नहीं दी है कंपनी ने, मतलब ऐसे आप देखो ये स्क्रीन जैसे यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ पे एच डी का जैसे मैप का क्या आ जाएगा, अगर मैं मानूं जितनी चीज़ें इस पर अवेलेबल होना चाहिए वो हमने इस सेगमेंट में, मतलब इसमें हमने दी है आपको। अच्छा, आप इस चीज़ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको ऊपर दी हुई है, न्यूट्रल का है सर, या आपका एबीएस हो गया, या आपका बैटरी का हो गया, एक डिफरेंट दिया है इन्होंने, डिफरेंट है दूसरी का, दूसरी का जैसे अपनी आप मान लो वो है क्या बोलते हैं KTM हो गया, हाँ जी सिमिलर नहीं है, यहाँ पे आया अभी KTM हो गया और सब हो गया, यहाँ पे हाई लिखा हुआ है कॉल और मेल, मतलब मैसेज और पूरा, तो KTM की तरह नहीं है, KTM का एक्चुअली का पूरा ही उन्होंने ऐसा है, ठीक है, और उस पर पूरे पे ही उन्होंने डिस्प्ले दिया, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मेरे को खाली लग रहा था तो इसलिए मैंने पूछा आपसे, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है मेरे हिसाब से, आप जब जब राइड करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे इस और बाइक से आप भी यूज टू होते रहोगे। पर ये मेरे को बात अच्छी लगी कि ये ऑलरेडी मतलब जो आफ्टर मार्केट लोग लगाते हैं, जैसे ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, विंडशील्ड हो गई, विंडशील्ड भी है जैसे लगी हुई है ठीक है, एक डिसेंट विंडशील्ड की साइज़ दी हुई है, तो अच्छा लगा मेरे को ये भी, और LED है ये पूरा, LED सेटअप है ना, चलो बढ़िया। अभी बैठे थे और आवाज़ भाई से बहुत ही सारी फ्यूचरिस्टिक बातें हुई कि भाई फ्यूचर में कैसे क्या करना प्लान है वो, और बहुत सारी राइड्स होंगी वो भी मेरे चैनल पे देखेंगे, और एक शायद इंदौर में कोई शोरूम आ रहा है 4-व्हीलर का, अभी तक मेरे को भी ब्रांड नहीं बताया, एक यूनिक ही है कोई, मतलब कौन सा सेगमेंट बता रहे मिड प्रीमियम सेगमेंट, मिड प्रीमियम सेगमेंट, अगर आपको बताए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, थोड़ा मेरा हेल्प करो आप, और उसका भी अपन पूरा शूट करेंगे, तो जावा से और अपना जावा SD से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट डाउन बिलो, और काफ़ी अच्छे से समझाया है यहाँ पे भी, और अबाज भैया थैंक यू सो मच आपको बुलाया, और अपन बहुत ही जल्दी प्लान आउट करेंगे और आगे बहुत सारे वीडियोज देंगे इनको 100% है ना, थैंक यू, और काफ़ी अच्छा कंटेंट आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो एक बार, आप बोलो तो करें यार, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन वगैरह रहता है वो प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशंस लेते रहिए, एंड कनेक्टेड, गेट कनेक्टेड टू जनक, थैंक यू भैया। आपको आवाज़ सुना देता हूँ एडवेंचर की भी, और उसका भी मैं रोड स्टार की आवाज़ सुनाऊंगा, पहले एडवेंचर की सुना देता
ट्रैफिक है, यूज टू होना पड़ेगा। हम निकल रहे हैं जावा के शोरूम से और ये रही अपने एक्टिवा। तो भाई दिस इज द नेक्स्ट डे, जावा से मैं शूट करके आ गया था, उसके बाद मैंने एक वीडियो एडिट करके डाली जो आपने इसके पहले देख ली है, ठीक है। और तो भाई यही थी पूरी आज की वीडियो। और भाई देखो जावा का शोरूम अन्नपूर्णा रोड पे है, एड्रेस सारा मैं शोरूम की डिटेल सब डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे भी आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कॉल करो, अपनी टेस्ट राइड बुक कर लो और कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे टेस्ट राइड चाहिए, यसडी की चाहिए, जावा की चाहिए, जिसकी भी चाहिए आपको देंगे वो लोग, बिल्कुल देंगे। और मेरा रेफरेंस देना तो और ही अच्छे से आपकी खातिरदारी हो जाएगी पक्के से। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू। सो भाई एंड नहीं कर पाता यार मैं, मतलब भूल जाता हूँ एंड करना, तो इसलिए अभी एडिट कर रहा था तो मेरे को जस्ट याद आया और अभी एडिट करके उठाई हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं बैडमिंटन खेलने। ये पूरा बैग वैग बना लिया है यहाँ पे ही, ठीक है ये रहा, और सुबह के 7 बज रहे हैं इसलिए। तो या सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और हाँ सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी आ रही है। बाय बाय।